हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गया हूँ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज मैं आपको अपने आर्मी दिखा देता हूँ गाइस, जिसने मैं ज़्यादा इलेक्ट्रो अटैक करता हूँ। क्लैन में एनी का रिक्वेस्ट है जो मैं बलून दे देता हूँ। मेरे पास बलून ज़्यादा कुक है और ईडी। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो को। गाइस, देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी हमारा चेक कर लीजिएगा। तो इस प्लेयर ने यटी स्मैश से अटैक किया है। ये क्लैन का लीडर है गाइस। ये भी बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर है। देखिए गाइस, आप इसकी अटैकिंग स्किल्स को देखिए, कैसे ये इस बेस को उड़ाता है, मच्छर की तरह मसल ले जाएगा इस बेस को। तो इसने इलेक्ट्रो से फनलिंग की है इजीली। अजीब बेस है गाइस, इधर उधर रखा हुआ है, जिससे ट्रूप्स इस साइडोइड में चल जाते हैं हमेशा। खासकर तो ये इलेक्ट्रो अटैक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रो और पिकअप ओबैट जो बहुत ज़्यादा फेमस अटैक है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है, जिसकी वजह से 3-स्टार नहीं हो पाता। बहुत गुस्सा आता है गाइस। मैं पिकअप ओबैट बहुत कम करता हूँ, इलेक्ट्रो अटैक ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। और अभी यटी स्मैश मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि उसमें भी मैं बहुत माहिर हो सकूँ, क्योंकि ये अटैक मैं नया कर रहा हूँ तो मुझे उतनी आती नहीं है। इस क्लैन में जितने प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर आपको यटी अटैकर्स ही मिलेंगे। तो ये बेस में इस 1-स्टार इजीली हो गया है। ये यटी टाउन हॉल के पास इस प्लेयर ने यूज़ किया था ब्लिम, बट रास्ते में ही ब्रेक हो गया, उसकी सांसें आगे तक नहीं जा सकी, बचा नहीं बेचारा। और ये बॉलर आ रहे हैं कूद कूद के, कभी कोई इस साइड जा रहा है, कोई उस साइड जा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, जाए तो जाए कहाँ, डिसाइड नहीं कर पा रहेगा इस बॉलर। रॉयल की एबिलिटी बची हुई है और 1 साथ 4 शिकार कर लिए। वार्डन की हेल्थ 1 कतरा बच गया और रॉयल ने वो भी छीन ली उससे। बहुत ही बेरहमी से मारा है रॉयल ने। तो ये बेस 3-स्टार हो गया है, 3-स्टार हो चुका है ये बेस, आप देख सकते हैं। और 20 मिनट बाकी हैं टाइम का, और सब ऐसा गाइस अटैक हो तो क्या बात। सब ट्रूप्स अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह की फिलिंग कर रहे हैं, और इसमें कोई भी ट्रूप्स इधर उधर नहीं गया, सब अपना काम बखूबी किया। ये टी फंस गया जाल में और ये बेस हो गया है 3-स्टार। गाइस, क्लैन में ज़्यादातर आपको प्रो प्लेयर्स वॉर अटैक्स ही मिलेंगे। तो हम सेकंड अटैक में चलते हैं। किसी भी प्लेयर को गाइस, अगर इस क्लैन में वॉर खेलना हो या पुशिंग करने के लिए आपको कोई क्लैन चाहिए, तो इस क्लैन में ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसका क्लैन टैग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप कमेंट द्वारा हमें अपना प्लेयर टैग दें। इसमें लेजेंड लीग प्लेयर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, पुशर्स ओनली अलाउ इन दिस क्लैन। और CWL में किसी को खेलना हो तो पुशर्स ज़्यादा हाई लेवल हीरोज़ होने चाहिए, मैक्स हीरोस होने चाहिए वॉर लीग खेलने के लिए। और इस प्लेयर ने क्या वार्डन वॉक से ही 8% उठा लिया, और साइड में सीज मशीन सीज बैरक जो है, देखिएगा यटी अटैक किया इसने। ये अगर इसकी जगह का इस कोई और होता तो WW इस्तेमाल करता अंदर में डोनेशन ले जाने के लिए, बट इसने ऐसा नहीं किया। इसने बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए जंप का इस्तेमाल किया है। आजकल गाइस जंप कोई यूज़ करता नहीं है। और देखिए ये न्यू सीज मशीन का क्या अच्छे से इस्तेमाल किया है इस अटैक स्ट्रेटजी में। तो वॉरेन की एबिलिटी के साथ अपने सभी आर्मी को सेफ करते हुए आगे बढ़ रहा है, और 30% हो गया है। 1 स्टार अभी हो जाएगा, क्योंकि टानोर की हेल्थ मैं देख सकता हूँ कि 1 कतरा बचा हुआ है, और 1 स्टार से वो हो गया ब्रेक। तो यटी के बच्चे कूद रहे हैं स्कैटर शॉट को मारने के लिए, नहीं वो सामने है उसके, पर स्कैटर शॉट भी गया।
तो ये बेस भी गाइस 3 स्टार हो गया है। अगर गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई लेजेंड बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो आप इससे पहले मैं दो और अटैक्स रिप्ले हैं मेरे पास जो मैं बाद में अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद। अगर आपको कोई अच्छी सी अटैक स्ट्रेटजी चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आप नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दिखा देंगे। गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए गाइज रॉयल मैक्स रॉयल का क्या फ़ायदा है, 3 बार में एक विजिट टावर को इजीली मार दिया है बहुत ही बेरहमी से इसने। बाकी और रॉयल ने अकेले ही स्टोरेज को तोड़ दिया है, वार्डन का भी साथ था, 3 स्टार हो गया। ये गाइज बहुत अच्छा प्लेयर है, दीप ठाकुर नाम है इसका, प्रो प्लेयर है बहुत। अब ये थर्ड अटैक हम देखते हैं गाइस, शीतल नाम की प्लेयर का है, वो जो मैं 2 रिप्ले की बात कर रहा था उसमें से एक अटैक लेजेंड रिप्ले इनका भी है, तो इनके वीडियो वो एक्स्ट्रा रिप्ले है, मैं इस वीडियो के बाद उसमें नेक्स्ट वीडियो में वो रिप्ले दिखाऊंगा। पहले ये वॉर अटैक्स, इसने क्वीन वॉक किया है, बलून का अच्छे से इस्तेमाल किया है ताकि मोटर जो है क्वीन वॉक में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बलून का इस्तेमाल किया है, पर मोटर बच गया पर दूसरा बलून इस्तेमाल किया है आर्चर टावर को भटका के। और ये गाइस प्रो प्लेयर्स की यही खास बात होती है कि लावा डोनेशंस में लेते हैं, और लावा को मारना कैसा है वो आप इस अभी देखिए, शीतल नाम के प्लेयर अभी दिखेगा आपको, ईजिली पॉइजन गिरा दिया है, कुछ नहीं करना है इसमें, और लावा जल के खाक हो गए, और क्वीन ने बचे हुए लावा को एक एक झटके में मार दिया। तो गाइस ये ऐसा बेस है गाइस जिसपे एटलीस्ट 2 स्टार होता है। रेस पेल गाइस क्वीन के हीलर के ऊपर गिराया ताकि क्वीन की हेल्थ बच जाए, और कुछ बॉम्बर्स को वॉल्स ब्रेक करने के लिए छोड़ा है ताकि क्वीन डायरेक्ट अंदर जाए, और स्कैटर शॉट ऐसा होने नहीं देना चाहता इसलिए उसे फ्रीज कर दिया उसी वक्त, और ये स्कैटर शॉट को क्वीन ने इजीली निकाल लिया है। इस प्लेयर ने गाइस हॉग अटैक किया है, बड़ा मस्त हॉग अटैक किया है इस प्लेयर ने, देख सकते हैं आप 2 अलग हो गए और रॉकेट को मार रहे हैं, और बाकी सब आर्टिलरी ने एक गोला गिराया है, और सीज मशीन का सिज बैरक का इजीली अच्छा इस्तेमाल किया है इस प्लेयर ने फनलिंग के लिए, और जब तक आर्टिलरी दूसरे गोले मारने की कोशिश करेगा तब तक वो जान से जा चुका होगा। तो आर्टिलरी गाइस डाउन हो चुका है, और पेक्का उसका बचा हुआ है जो सिज बैरक से बाहर आया है, विजर्ड्स फनल अचलिंग अच्छे से कर रहे हैं पीछे पीछे, और रॉयल की हेल्थ इसने लास्ट तक बचा के रखी है। ज़्यादातर प्लेयर्स गाइस कोई भी अटैक करता है तो गाइस रॉयल आधे रास्ते में ही डेड हो जाती है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ रॉयल को इलेक्ट्रो अटैक में, पर आधा बेस के अंदर जाते ही गाइस रॉयल डेड हो जाता है मेरा, पर इसका रॉयल की एबिलिटी देख सकते हैं आप 80% हो गया, 2 स्टार इजीली अभी तक हेल्थ बचा के रखी एबिलिटी बचा के रखी हुई है, और बहुत सारे हॉक राइडर भी बचे हुए हैं और एबिलिटी अब यूज़ कर ली, 94% हो गया है, पिक्का अभी तक बचा हुआ है। देखिए गाइस इस बेस पे इलेक्ट्रो अटैक से 3 स्टार निकालना नामुमकिन है, बट इसने हॉग राइडर अटैक से इजीली निकाल लिया है। तो अब हम देखते हैं वॉर नंबर लाइन हर्ट जो गाइस इस क्लैन का प्लेयर है, इसने अटैक किया हुआ है इस बेस पे, जो इस क्लैन का लीडर है, इसका पहला अटैक मैंने आपको दिखाया था, इसने येटिस का अटैक करना शुरू किया है आर्टिलरी के पास वाली वॉल को ब्रेक करके, वहीं से अटैक करेगा, फनलिंग के लिए जेटी को उतारा है और कुछ विजार्ड्स एंड बॉलर्स, और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन का इस्तेमाल भी किया है इसने इस अटैक स्ट्रेटजी में जो काबिल तारीफ है, और येटी के को एक लाइन में उतार कर अटैक की शुरुआत कर दी है इस प्लेयर ने।
अब वहाँ रेज दिया है इसने और आर्टिलरी कब तक अपना खैर मनाएगा, एक गोला मार ले जल्दी क्योंकि अगले गोले मारने के लिए नहीं रहेगा। लावा निकल चुका है और पॉइजन में है। इजीली 30 के ऊपर 40% इसने निकाल लिया है और उसकी क्वीन की हेल्थ भी अभी पूरी बची हुई है, एबिलिटी भी बची हुई है रॉयल की भी और क्वीन की भी। तो वहाँ जंप गिरा दिया है इस प्लेयर ने और येटिस जो है टाउन हॉल निकालने के लिए उसके गोले आगे आए बट टाउन हॉल ने मार दिया। बट अभी भी बहुत सारे आर्मी अभी इसकी बची हुई है, देखते हैं ये 3-स्टार होता है या नहीं होता है। तो गाइस मैं आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से देख लीजिएगा, मेरा इसमें मैं इस क्लैन का टैग दे दूंगा। और अगर आपको कोई इस क्लैन को ज्वाइन करना है तो गाइस आप कमेंट में हमें बोलें, लीडर से मैं आपका प्लेयर टैग दूंगा लीडर को। लीडर को अगर देखने में सही लगेगा आपका प्रोफाइल तो आपको क्लैन में एंट्री मिल जाएगी वॉर खेलने के लिए, NCWL खेलने के लिए। इसमें हीरोज ज़्यादा मायने रखते हैं, हीरोज आपका हाई लेवल होना चाहिए और अटैकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके इस क्लैन में एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये बेस हो गया है 3-स्टार, आप देख सकते हैं लास्ट स्टार वार्डन की मेहरबानी से मिला। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वॉर अटैक्स में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वॉर जा रही है इस क्लैन की, एनिमी बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाया इस प्ले क्लैन में, 10 स्टार लिए हैं अगेंस्ट। तो अभी ये बेस है गाइस जिसमें इसने इलेक्ट्रो अटैक किया है, एक थंडरस्पेल से एक रॉकेट को डाउन, रॉकेट गाइस सब एक साइड है। अगर इलेक्ट्रो अटैक्स गाइस, मैं भी एक इलेक्ट्रो अटैकर हूँ, अगर इस प्लेयर ने जहाँ रॉकेट्स हैं वहाँ से अटैक शुरू किया होता तो हो सकता था गाइस 3-स्टार हो जाता। बट इसमें अभी 3-स्टार नहीं होगा क्योंकि मेन इलेक्ट्रो अटैक में इलेक्ट्रो को डैमेज देता है रॉकेट, और अब तो स्कैटर शॉट भी आ गया है तो वहीं से अटैक इसे करना चाहिए था, पर उसने गलत डायरेक्शन से अटैक किया है। एटलीस्ट 2-स्टार तो ये निकाल लेगा, ये तो गारंटी है, पर 3-स्टार नहीं होगा क्योंकि देख सकते हैं आप रॉकेट, 4 रॉकेट एक साथ बच गए और एक स्कैटर शॉट भी बचा हुआ है। तो 3-स्टार तो इम्पॉसिबल है, मैंने दिखाया ये 2-स्टार बेस है, इसके अटैकिंग स्किल उतनी अच्छी ज़्यादा नहीं है जैसे बाकियों ने अटैक्स किए वैसे इसने नहीं किए अच्छे से। इसे रॉकेट साइड से अटैक करना चाहिए था और 2 इलेक्ट्रो से ऊपर में जहाँ से अटैक किया वहाँ से फनलिंग होनी चाहिए थी, तो ये बेस एटलीस्ट 3-स्टार हो जाता वार्डन के साथ। अगर रॉकेट साइड से अटैक करता एबिलिटी यूज़ करके तो 3-स्टार हो जाता, इलेक्ट्रो को डैमेज करने वाला और कोई ज़्यादा मेन डिफेंस होता नहीं है, रॉकेट एंड स्कैटर शॉट इलेक्ट्रो को जल्दी निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं 81% किया है इस प्लेयर ने और टाइम अप भी हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वॉर अटैक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट अटैक हम रिप्ले स्टार्ट कर दिया है, ये दीप ठाकुर नाम के प्लेयर ने अटैक किया है और इसमें इसने सिज बैरक को इस्तेमाल किया है। अब इसमें ये वार्डन वॉक करेगा, देख ही सकते हैं आप वार्डन वॉक में गाइस हीलर किस साइड से उतारेगी उसे रॉकेट या कोई भी एयर डिफेंस टच ना कर सके। अब वार्डन के पास कुछ मेहमान आ रहे हैं उड़ते हुए जिसे वार्डन को मारना है, बट वार्डन नहीं मारेगा इसलिए मिनियन इसने उतार के उसे मेहमान का स्वागत अच्छे से किया है, क्योंकि वार्डन की ये बहुत ही बुरी आदत है कि जो डिफेंस ट्रूप्स जिधर मारेगा वही वो मारने लगता है। अगर कोई डिफेंस आर्मी ट्रूप्स वॉल तोड़े तो जाके वॉल तोड़ने लगता है, यही प्रॉब्लम है वार्डन की। तो इसने टाउन हॉल के साइड के सारे वॉल्स को ब्रेक किया है
देखते हैं गाइस ये प्लेयर अटैक कहाँ से करता है। फिलहाल अब इसने अटैक शुरू किया नहीं है, पहले वार्डन ही सब काम हो रहा है अभी तक। अभी शीज बैरक भी इसने नहीं उतारी है। किंग से फंडलिंग, देखिएगा इस स्कैटर शॉट एंड पिक्का सिज बैरक और किंग की मदद से फनलिंग अच्छे से हो रही है। लगता है अटैक इस साइड से होगी, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। तो जंप गिराकर आर्टिलरी को पहले डैमेज निकालना है और हॉग राइडर इस अटैक में है डोनेशन में, आप देख सकते हैं, जिसका फेवरेट टारगेट है डिफेंस। तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस अटैक में। रॉयल अभी तक इसने बचा के रखे हुए हैं और ये टाउन हॉल तो गए, टाउन हॉल ब्रेक होने ही वाला है। थोड़ी सी हेल्थ बची है इसकी। तो गाइस इस क्लैन में अगर आपको आना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको जो स्ट्रैटेजी चाहिए आप कमेंट में हमें बताएं, हम वैसे ही स्ट्रैटेजी की वीडियो आपके पास ज़रूर लाएंगे। कैसे आपको ये स्ट्रैटेजीज करनी है, कैसे सक्सेस होगा 100% सब। तो ये बेस भी 3 स्टार हो गया, इस प्रो प्लेयर ने अमेजिंग अटैक्स करके ये बेस को भी 3 स्टार निकाल दिया है। तो हमने देखा कैसे इस प्रो प्लेयर ने 3 स्टार निकाला है इस बेस पे। ओके, तो ये बेस भी हो गया 3 स्टार। टाइम 6:05 उल्टी गिनती शुरू हो गई, बट मैक्स विजार्ड्स ने टाइम पर एलेक्सिस स्टोरेज को ब्रेक कर दिया और 3 स्टार कर दिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट अटैक वॉर अटैक्स के ऊपर। इस बेस में गाइस 2 स्टार है, शीतल नाम के प्लेयर ने इस अटैक को अंजाम दिया हुआ है। तो इसने हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। हाइब्रिड मतलब गाइस उसमें माइनर्स भी होंगे और हॉक भी होता है। इस स्ट्रेटजी में गाइस बहुत ज़्यादा बहुत फेमस भी है स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी और पिक्का बोबैट का इस पहले फेमस था, अभी इलेक्ट्रो ड्रैगन थोड़ा बहुत फेमस है और येटी स्मैश ज़्यादा चल रहा है अभी, और ये अटैक ज़्यादा चल रहा है। नंबर 1 पे गाइस यही अटैक चल रहा है। अगर इस अटैक को गाइस अच्छे से किया जाए तो आप किसी भी बेस पे 3 स्टार आंख बंद करके कर सकते हैं। देखते हैं इस प्लेयर ने कैसे किया ये अटैक जो 2 स्टार आया। इस अटैक में बहुत ध्यान से स्पेल एंड ट्रूप्स उतारने पड़ते हैं, एक गलती हुई कि 3 स्टार नहीं होगा। बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है गाइस। इसमें इसने ब्लिंप यूज़ किया है, बट इसमें शायद ब्लिंप यूज़ नहीं करना था, पर ब्लिंप यूज़ किया है तो 1 स्टार कंफर्म निकल जाएगा और माइनर और हॉग वहीं से उतारे गए हैं, देख सकते हैं। ओके, अब हीलिंग स्पेल देगा कुछ देर में इसे। ओके, अटैकिंग अच्छी अटैक जा रही है अभी गाइस, बट स्कैटर शॉट 2 बच गए हैं, जो हो सकता है कि इस अटैक स्ट्रैटेजी को भी गाइस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में हो सके तो मैं आपके लिए लाऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे इस अटैक स्ट्रैटेजी करनी है। पूरा बेस में से आधे से ज़्यादा बेस हो गया है ब्रेक। देखा जाए तो गाइस अटैक स्ट्रैटेजी इसकी ख़राब हुई नहीं है, ठीक अटैक किया है इस प्लेयर ने। मुझे लगा शायद कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी जिसकी वजह से ये 3 स्टार नहीं हुआ, लेकिन ये गाइस लेजेंड में 3 स्टार रिप्लेस ही शेयर करता है हमेशा। बस 2 स्कैटर शॉट एंड कुछ माइनर्स हैं। इस हॉग राइडर गाइस पहले ही लगता है बीच में बम बम जो रहते हैं गाइस उनमें
मर गया। अभी हॉक राइडर जिंदा होता तो गाइज 3 स्टार इजीली हो जाता है। एक हीलिंग स्पेल बचा हुआ है इस प्लेयर के पास। स्कैटर शॉट के पास माइनर को पहुंचते ही वहां हीलिंग स्पेल देना ही होगा। दे दिया है इसने हीलिंग स्पेल और टाइम अप हुआ है गाइज इस स्ट्रैटेजी में। अगर इस स्ट्रैटेजी में टाइम अप ना हुआ होता तो ये 3 स्टार था, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 100% 3 स्टार होगा ही होगा इस स्ट्रैटेजी से। तो गाइस इस अटैक में इसने ये टी और 2 आइस गोलेम यूज़ किया हुआ है इसने, इस प्लेयर ने। प्लेयर का नाम ARD नाम है। ये टी अटैक किया है इसने क्वीन वॉक के साथ। अच्छी अटैक कर रहा है गाइस, फनलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी डायरेक्शंस में इसने सेज बैरेक विज और क्वीन को उतारा है और 2 आइस गोलेम के साथ आगे चला। इस बेस में उतना जंप गिराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टाउन हॉल के पास ले जाने के लिए एक जंप चाहिए, वहाँ पर उसने गिरा दिया है, क्योंकि रास्ता बना हुआ है इस बेस में। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ गाइस एक आप देख सकते हैं इस वीडियो में किंग के जहाँ पर इसका रखा हुआ है वहाँ पर एक और जंप आई थिंक लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये बेस में 40% के ऊपर उठ गया है। अब टाउन हॉल की बारी। वार्डन की एबिलिटी के साथ उसने अपने आर्मी की हेल्थ बचा ली है। 2 स्टार निकल गया है गाइस इस बेस पे। वार्डन अकेले जा रहे हैं। रॉयल की एबिलिटी भी इस प्लेयर ने यूज़ कर लिया और ये ऑलमोस्ट 3 स्टार पूरा हो चुका है, क्योंकि सारे मेन डिफेंसेस जो हैं 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर इस प्लेयर ने अटैक को अंजाम दिया है गाइस। इतने कम टाइम में इसने येटी अटैक्स में इस बेस को क्लियर किया। ARD बहुत प्रो प्लेयर ये भी लगता है गाइस। 3 स्टार हो गया है, येटी आ रहा है और येटी को हील कर रहे हीलर एक ही बचे हैं, बाकी जितने हीलर्स थे वो अपने शमशान पहुंच चुके। 50 सेकेंड बहुत टाइम है इस प्लेयर के पास 3 स्टार करने के लिए। और येटीज भी 2 नज़र आ रहे हैं और एक किंग है। किंग की एबिलिटी इसने बचा के रखी हुई है। क्लाइंट में गाइस मैसेजेस भी आ रहे हैं, बट पहले हम कर लें रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम क्लाइंट में डोनेट कर देंगे अच्छे से। किंग ने वॉल तो येटी का साथ दिया और वॉल ब्रेक किया है और एबिलिटी अब मेरे हिसाब से यूज़ करनी होगी। 10 सेकेंड बचे हैं, एबिलिटी यूज़ हो गई और येटी में से जो गोले गिर निकल रहे हैं येटी पॉप्स, उससे ये इन्फर्नो निकल गया और ये 3 स्टार हो गया। वरना ये अगर येटीस अटैक नहीं होता तो इस पे 2 स्टार ही होता। अब बारी नेक्स्ट रिप्ले की गाइस। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें गाइस, उन्हें अच्छी लगे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस कि सब्सक्राइब करने। अगर उन्हें अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो वो भी आप कमेंट द्वारा बोल सकते हैं। इस वीडियो में गाइस इस प्लेयर ने येटी स्मैश किया हुआ है बीबी लेकर। ब्लिंप यूज़ किया है इस स्ट्रैटेजी में येटी स्मैश में। सिज बैरक इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया इसने। स्कैटर शॉट को बिजी कर दिया है येटी में और येटी जल्द ही स्कैटर शॉट को ब्रेक कर दिया। ऑपोजिट साइड से ब्लिंप को छोड़ा है। क्या ये टाउन हॉल तक पहुंच सकेगा? नहीं पहुंचेगा इस, होगा ही नहीं, बट 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि येटी टाउन हॉल निकाल चुका है और ड्रैगन बाहर आया है भाई। एक जंप बचा हुआ है जो आर्टिलरी के पास मेरे हिसाब से मिलेगा।
दो स्टार इजीली निकल गया है। और रॉयल की जो एबिलिटी है गाइस, ये क्लैन का लीडर है और इसने अभी तक ले रॉयल की एबिलिटी बचाई है। मैं इलेक्ट्रो अटैक करता हूँ तो उसमें हमेशा आधे बेस डिस्ट्रॉय होने से पहले ही रॉयल मर जाता है, डेड हो जाता है हमेशा। पर गाइस ये प्रो अटैकर्स कैसे अटैक करते हैं कि इनकी रॉयल लास्ट तक एबिलिटी बचा लेते हैं और लास्ट सेकेंड में 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में एबिलिटी यूज़ करते हैं हमेशा। बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर्स है गाइस। तो इस क्लैन के लिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो कमेंट में हमें बोलें, अपना प्लेयर टैग दें, मैं लीडर को प्लेयर टैग दूंगा। और आपका हीरोज भी गाइस हाई लेवल होना चाहिए। तो ये बेस भी 3 स्टार हो चुका है। इस क्लैन में अभी नेक्स्ट वॉर 5 vs 5 होगा, लीडर ने मुझे बताया है। तो नेक्स्ट वॉर मैं भी खेलूंगा इस क्लैन में। अब ये बेस पे देखते हैं गाइस, एस किंग नाम के प्रो अटैकर प्लेयर ने इलेक्ट्रो ड्रैगन गाइस हमारे क्लैन की तरफ अटैक हो रहा है शायद। बट पहले मैं यहाँ देख लूँ हमारे अटैकिंग, इस प्लेयर ने इलेक्ट्रो अटैक किया है इस बेस पे। देखते हैं कहाँ तक इसने सही अटैक किया है इलेक्ट्रो अटैक, क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रो अटैकर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कहाँ से इसने गलती की कहाँ नहीं की। लेकिन इलेक्ट्रो अटैक में गाइस ये बेस 3 स्टार इजीली हो जाएगा, बहुत रस पेस है। स्कैटर शॉट 1 मैक्स है तो ज़्यादातर मेन डिफेंस बहुत अच्छे से इसने बलून उतारा है। जितने ट्रैप्स हैं बलून्स को पहले लगेंगे, इलेक्ट्रो का बाल भी बाका नहीं उखड़ेगा। बहुत ही अच्छे से अटैक किया गाइस, एसएस का इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह किया है इसने। एसएस एंड सीज बैरक, दो ऐसे सीज हैं जिसका डिफेंस के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। 74% इस प्लेयर ने इजीली निकाल लिया है। अब बचा हमारा एक इलेक्ट्रो, थोड़ी हमने स्पीड बढ़ा दी है गाइस रिप्ले की। और शेट गाइस इसने लगभग पूरी डिफेंसेस को ब्रेक कर ही डाला था, पर इसे पॉइजन भी एक लेना चाहिए था और ब्लिंप यूज़ करता तो गाइस हमारे क्लैन में हमारी तरफ कोई अटैक कर रहा है शीतल के बेस पे, पर वो 3 स्टार नहीं कर सकेगा क्योंकि मैंने इसका बेस देखा है, बहुत अच्छा बेस है। तो गाइस अब हम क्लैन में थोड़ा डोनेट कर दें, उतनी देर से गाइस वीडियो बनाते बनाते क्लैन में हमने डोनेट नहीं किया है, थोड़ा बहुत डोनेट कर दें हम लोग भी। ओके गाइस फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।